मंगलवार दरभंगा पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा। एक ओर जहां लहेरिया सराय में दिन दहाड़े गोलीकांड के अभियुक्तों को पकड़ा गया, वहीं दूसरी तरफ NH-57 पर लूट एवं डकैती की योजना बनाते हुए चार अभियुक्त पकड़े गए। लूट एवं डकैती गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। NH-57 पर लूट एवं डकैती की योजना बनाते हुए चार गिरफ्तार, इनके नाम सुरजा कुमार, दीपक कुमार, सुमित कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। इनके पास से एक फाइटर, 11 मोबाइल फोन सिम कार्ड के साथ पर्स एक, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रीन कार्ड और भूटान का 5 रुपये का नोट, साथ ही एक डाइगर भी बरामद हुआ है। सिमरी थाना कांड संख्या 201 2019 29 अक्टूबर 2019 धारा 399 402 412 120 बी आईपीसी के तहत इन पर दर्ज है। घटना का जो विवरण है उसके बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिमरी थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर को गश्ती क्रम में सुपर पेट्रोलिंग के द्वारा रात्रि करीब 12 से 1 बजे के बीच होटल एवं सड़क के किनारे NH-57 पर खड़े बिहार से बाहर दूसरे राज्यों के ट्रक ड्राइवर एवं अन्य स्टाफ को निशाना बनाकर गाड़ी का गेट खोलकर पिस्टल, फाइटर, डाइगर का भय दिखाकर मोबाइल एवं पैसा लूटने एवं डकैती की योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा था। सिमरी थाना के सुपर पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना मिलते ही लूटे गए सामानों के साथ सुरजा कुमार पासवान, दीपक कुमार, सुमित कुमार और सुमित कुमार नाम के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिमरी जिला दरभंगा में गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस लगा रही है पता। छापामारी अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, कहा दरभंगा के SSP बाबूराम ने। ये सिमरी थाना की पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 मोबाइल बरामद हुए हैं, इसके अलावा एक चाकू बरामद हुआ है और एक पंच बरामद हुआ है। इनसे जो बरामदगी हुई है उसे देखने से स्पष्ट है कि ये लोग NH पर गाड़ियों से मोबाइल वगैरह छीन चोर की घटना करते हैं और इस संदिग्ध हालत में ये पकड़े गए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये लोग अपराध में संलिप्त हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, जो मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं इनका डिटेल निकाला जाएगा, इनके जो असली स्वामी हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये मोबाइल इनसे कहाँ गायब हुए, किसने छीना या फिर इन लोगों के हाथ में ये मोबाइल कैसे पहुँचे हैं। तो और अनुसंधान के बाद और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जानने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई हो पाएगी। अभी तो उस मामले में हम लोग जाँच कर रहे हैं, पहले के इस तरह के जो मामले रिपोर्ट हुए हैं गाड़ी छीनने का या फिर गाड़ी बाहर के जो ट्रक आते हैं उनको रोक के उनसे कुछ मोबाइल या पैसा छीनने का, तो पहले की जितनी भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं उनमें इनकी संलिप्तता के बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जस्ट इनकी गिरफ्तारी हुई ही है और इनसे जो बरामदगी हुई है उस पर भी जांच बाकी है, उसके बाद ही कुछ अंतिम रूप से कहना संभव हो पाएगा। अभी तो चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके जो कॉल डिटेल निकाले जाएंगे इनसे पूछताछ में फिर और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ये सिमरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं।